हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू महिमा किचन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही गाजर, मूली और मिर्ची के इंस्टेंट अचार। इसे झटपट बनाए, संग संग खाए, धूप में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 10 से 15 मिनट में बन भी जाती है ये अचार। इसे बनाना भी बहुत सिंपल है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये अचार बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी को। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, करना क्या है, ले लेना है आपको 2 ग्लास पानी, उसमें डाल देना है आधा चम्मच नमक। फिर जैसे ही पानी बॉयल होना शुरू होगा, उसमें डाल देना है गाजर और मूली। इसको अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए पका लेना है हाई फ्लेम पे। ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 80% ही कुक करना है ताकि गाजर मूली थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं अचार के मसाले के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है साबुत धनिया, बड़ी सौंफ, जीरा, 2 सूखी मिर्ची, आप चाहे तो 4 या 5 भी डाल सकते हो, आधा चम्मच मेथी। इस मसाले में मैंने कहीं तेल और घी का यूज़ नहीं किया है। लो फ्लेम पे मसाले को इस तरह से ही भुनना है। जैसे ही मसाले से खुशबू आने लगेगी या कलर चेंज हो जाएगा, तो समझ जाना कि आपका मसाला अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। फिर क्या करना है, आपको मसाले को मिक्सचर में ग्राइंड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सबसे पहले सरसों का तेल गर्म करके साइड कर दिया है। फिर इसमें मैंने डाल दिया गाजर और मूली। गाजर मूली को मैंने छान लिया था, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि 80% ही कुक करना है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर इसमें मैंने डाल दिया है मिर्ची और डाल दिया है 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी पाउडर। फिर मैंने यहाँ पे डाला है पीसी हुई राई। आप चाहे तो पहले भी राई को भून सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही पीसी हुई राई डाल दी है। फिर मैंने डाल दिया है रोस्टेड मसाला, जो कि मैंने अचार के लिए स्पेशली भुना था। फिर इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, नहीं तो आपका गाजर मूली टूट सकता है। फिर इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल में अचार बहुत ही अच्छा बनता है, तो सरसों का ही तेल यूज़ करें अचार बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है विनेगर, आप चाहे तो एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना। तो यहाँ पर मेरा ये इंस्टेंट अचार बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।